दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जीएस, जीएस से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जीएस, जीएस मीन्स जनरल स्टडीज। अच्छा, यहाँ पे एक लोगों का नाम लेना बहुत जरूरी है, डॉक्टर मनोज। डॉक्टर मनोज ने जीएस का पेपर क्वेश्चन आंसर सेशन, जो मैं उनको बताया कि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन जीएस पे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उनका नाम ना लूं तो सही नहीं होगा, इसलिए उनका नाम लेना जरूरी था। तो अब स्टार्ट करते हैं, जीएस से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होके गुजरती है। पहला अ उड़ीसा, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हुआ बी झारखंड। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। अ उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी प्रायद्वीपीय पठार, डी समुद्र तटीय मैदान। राइट आंसर हुआ सी प्रायद्वीपीय पठार। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है, क्षेत्र के दृष्टि से या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ए दूसरा, बी चौथा, सी सात छठा, डी सातवां। राइट आंसर हुआ डी सातवां। फिर देखते हैं, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। ए 68 मीन 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम देशांतर राजस्थान। बी क्या बोलता है, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात। सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान। डी 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर गुजरात। तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये है ऑप्शन है सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, सॉरी सॉरी देशांतर गुजरात। बी बी इज राइट वन। अब यहां पे आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, एक बार आप लोग देख लेंगे, बट 90% मैं श्योर हूं ये राइट आंसर है पश्चिमी देशांतर गुजरात में, बट एक बार राजस्थान तो नहीं होना चाहिए, पश्चिमी सुदूर पश्चिमी बिंदु राजस्थान। हाँ, एक बार इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लेंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सी है। सुदूर दक्षिणी बिंदु की बात कर रहे हैं तो अ कन्याकुमारी, बी रामेश्वर, सी इंदिरा पॉइंट, डी पॉइंट कैलिमर। इसका राइट आंसर हुआ सी इंदिरा पॉइंट। फिर देखते हैं सिक्स क्वेश्चन, भारतीय मानक समय इंडियन समय के की यागोत्तर रेखा किस राज्य से होके गुजरती है। कौन सी रेखा, यागोमत्तर रेखा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सिक्स का राइट आंसर हुआ सी महाराष्ट्र। निम्न में से किस राज्य का सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करता। मींस हमें क्या करना है, मैं इस पे जल्दी वीडियो ले क्या होगा, ग्लोब ग्लोब की स्टडी अच्छे से कर लेनी है। फिर मैप, इंडियन मैप जो है इंडियन, इसकी हम लोग को स्टडी अच्छे से कर लेनी है। यदि हम इसको इसकी स्टडी अच्छे से कर लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। असम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। सेवंथ का राइट आंसर होगा ए असम। एट क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की सात बहनें सेवन सिस्टर का सदस्य है। मींस पूर्वोत्तर की सात बहनों का सदस्य कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। तो एट का राइट आंसर होगा बी त्रिपुरा।
नाइन्थ देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा, एक स्थलीय सीमा होती है और एक समुद्री सीमा होती है, तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 61,6100 किलोमीटर, बी 7,516.5 किलोमीटर, फिर 77,200 किलोमीटर, फिर 15,200 किलोमीटर। राइट आंसर हुआ डी 15,200 किलोमीटर, ए स्थलीय सीमा की लंबाई है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? जो पश्चिम बंगाल है उसकी सीमा कितने देशों के साथ लगती है? और एक, बी दो, सी तीन, डी चार। राइट आंसर हुआ सी, तीन देशों से पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? यदि हम भारत के राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, वहीं पे बात करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है तो उस पे देखते हैं, क्वेश्चन नहीं बना होगा तो सॉल्व करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। 11th का राइट आंसर हुआ डी राजस्थान। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 12th का राइट आंसर हुआ डी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है तो वो हो गया बांग्लादेश। जब तक मैं इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा था तब तक मुझे ये लगता था कि सबसे ज्यादा नेपाल को हम लोग कवर करते हैं, सबसे ज्यादा जो सीमा है नेपाल से लगती है, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत का वह कौन सा स्थान है? कान्हा, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलती है। भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ये मीटिंग पॉइंट, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, इसका मीटिंग पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोलई, डी रामेश्वर। 13th का राइट आंसर हुआ और कन्याकुमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? अ चंडीगढ़, बी पांडुचेरी, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 14th का राइट आंसर हुआ डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये क्या है? सबसे बड़ा संघ राज्य डी है। अब बात करेंगे 15 क्वेश्चन क्या बोलता है। कोकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? जो ये कोकण तट है कहां से कहां तक फैला हुआ है? गोवा से कोची, गोवा से दीप, गोवा से दमन, गोवा से मुंबई। 15 का राइट आंसर हुआ सी गोवा से दमन। देख लिया हमने। अब बात करेंगे भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय जो मानक समय है किस पे आधारित है? और 80 डिग्री पूर्व देशांतर पे, बी 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पे, सी 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे, डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे, डी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पे। इसका राइट आंसर हुआ सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे, पूर्व देशांतर पे। फिर बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है? इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होगा? अक्सर हम लोग इसको घड़ियों में भी देख लेते हैं या कहीं ना कहीं ये लिखा भी रहता है। तो 5 घंटा 10 मिनट या 5 आवर्स 10 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, सी 5 घंटा 30 मिनट, डी 5 घंटा 40 मिनट। राइट आंसर हुआ सी 5 घंटा 30 मिनट। अक्सर हमने देखा होगा ये ऐसे लिखा रहता है। सॉरी थोड़ा ये गलती हो गया।
कैसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है। निम्न लिखित में से संघ क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा, अभी संघ में सबसे बड़ा किसकी बात की गई थी, अंडमान निकोबार, वहीं पे अब संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, चंडीगढ़, दादर ए नगर हवेली, दमन और दीप, डी लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर हुआ डी लक्षद्वीप जो है, ये सबसे छोटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लक्षद्वीप से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज भी है, तो लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह है, संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल लक्षद्वीप का है। 19 क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, स्थलीय सीमा सबसे छोटी किस देश के साथ है, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, सबसे बड़ी किसके साथ थी, बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ मिलती है, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, तो 19 का राइट आंसर हुआ अ अफगानिस्तान। बी 20 क्या पूछता है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, यदि हम पूरे द्वीप को ऐड कर लेते हैं तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, बी 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर, डी 15200 किलोमीटर। इसका 20 का राइट आंसर हुआ बी 7516.5 किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर हुआ। अब आगे बढ़ लेते हैं, भारत 21, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, और पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी, बी दक्षिणी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी उत्तरी और दक्षिणी। 21 का राइट आंसर हुआ और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी। भारत के उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है, और 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 3124 किलोमीटर, डी 3412 किलोमीटर। तो राइट आंसर हुआ बी 3214 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, विश्व के टोटल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसमें भारत कितना परसेंट पार्टिसिपेट करता है, कितना परसेंट भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये समझ में आया, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, और 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8%, डी 3.4%। राइट आंसर हुआ बी 2.4%। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल लाइन स्पर्श करती है, इंटरनेशनल लाइन किस देश के साथ, भारत किस देश के साथ भारत की जो इंटरनेशनल लाइन है सबसे लंबा स्पर्श करती है, मतलब टच करती है, और नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी बांग्लादेश। राइट आंसर हुआ 24 का डी बांग्लादेश। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लें, इसका ऑप्शन ए है केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। यहां पे मैं लिख लेता हूं सी महाराष्ट्र और डी उड़ीसा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी भूमि तट रेखा पे इस रेखा है, सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, और केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। राइट आंसर हुआ बी गुजरात। क्लियर,
अब हम देखेंगे 26 क्या बोलता है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी कोण मीन दक्षिणी पॉइंट क्या है? किप कामोरिन, बी कैलिमियर पॉइंट, सी इंद्रा पॉइंट, डी पोर्ट ब्लेयर। तो राइट आंसर हुआ 26 का ए, किप कामोरिन पॉइंट। गारो साखी जयंती पहाड़ी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गारो साखी जयंती पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मेघालय, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हुआ ए, मेघालय। अब बढ़ लेते हैं 28 क्वेश्चन क्या बोलता है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है? अभी हमने देखा उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई देखा, अब हम देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम तक। इसको नोट डाउन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होने के चांसेस काफी हुए हैं। तो मैं सोचा कि आप लोगों को इस पे वीडियो अपडेट करना बहुत जरूरी है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होते हैं। अब पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? किलोमीटर, बी 3,214 किलोमीटर, सी 3,124 किलोमीटर, डी 3,412 किलोमीटर मीटर। 28 का राइट आंसर हुआ ए, 2,933 किलोमीटर। वर्तमान में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? और ले बी लद्दाख, सी कारगिल, डी सियाचिन। वर्तमान में भारत में किस स्थान को सफेद पानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? और ले बी लद्दाख, सी कारगिल, डी सियाचिन। इसका राइट आंसर हुआ डी, सियाचिन को हम लोग सफेद पानी के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ओके, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिसे चीन ने कब्जा किया हुआ है उसको क्या कहलाता है? मतलब जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जिसे चीन कब्जा करके बैठा हुआ है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? गिलगित क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र, सी सियाचिन क्षेत्र, डी अक्साई चीन। राइट आंसर हुआ डी अक्साई चीन। 31 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? और उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, गुजरात, डी झारखंड। 31 का राइट आंसर हुआ और उत्तर प्रदेश। इन राज्य से कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है, इंपॉर्टेंट है। 32 क्या बोलता है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के सीमा को स्पर्श करते हैं? भारत में कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों को टच करती है? मध्य प्रदेश, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हुआ सी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला विश्व के प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है? और हिमालय, बी लोकी, सी देख लेते हैं अरावली, डी नीलगिरी। मैं यहां पे लिख लेता हूं सी अरावली, डी नीलगिरी। ग पे छोटी का मंत्र रह गया, एक बार देख लीजिएगा, नीलगिरी। तो राइट आंसर हुआ अरावली, बहुत ही फेमस है, इसको पर्वतमाला को विश्व के प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र, निम्नलिखित में वह राज्य कौन, राज्य क्षेत्र कौन सा है, मीन्स यहाँ पे राज्य पूछा जा रहा है, जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती, इसको हम करेंगे नागालैंड। ठीक है, ए न पढ़ लें तो ज्यादा सही रहा, नागालैंड। तो
नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा, ये कौन सा है? क्वेश्चन 34। 34 क्या पूछता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। राइट आंसर और ए नागालैंड। नागालैंड राइट आंसर हुआ। लास्ट 35 लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द किस भाषा में प्रयोग किया गया था? इंडिया शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस भाषा में उपयोग किया गया था? और उर्दू, बी ग्रीक, सी फारसी, डी अरबी। तो राइट आंसर हुआ बी ग्रीक। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन जीएस से एराइज होते हैं, और ये जितने भी मैं बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, इससे एग्जाम में आपको काफी बेनिफिट्स मिलेगा। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।